ब्रेक परे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुणि थरे स्वागत। फसल बीमा और कृषक सचेतनता शिविर पिपिली आत्मा कार्यालय ठारे अनुष्ठित होई सचेतनता शिविर रे ब्लॉक कृषि अधिकारी रवि नारायण पात्र साखी गोपाल नियंत्रित बाजार कमिटी संपादक कमल कुमार आचार्य पिपिली ब्लॉक आत्माध्यक्ष धरणीधर साहू प्रमुख उपस्थित रही फसल बीमा संपर्क में अवगत कराइले। हेक्टर पिछा 1200 टंका चाषी माने बीमा कले चाषर क्षय क्षति हेले सेमानकु 60,000 टंका पर्यंत बीमा राशि मिलिबार व्यवस्था रही और चाषी माने बीमा मुक्त हेबाकु हेले चलित मास 31 तारीख पर्यंत ए सुविधा अछि बोली कहा जाइछि। एतरे चाषी मानक समेत ग्राम सेवक कृषक साथी और आत्म सदस्य माने उपस्थित थिले। आम ब्लॉक रे आमर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ हूँ अवेयरनेस कैंप एमर ब्लॉक रो टार्गेट हूँ हजार जन को आम अंतर्भुक्त करवा कारण ए बहुत सुविधा अच्छी अनेक क्षेत्र में दैव दुर्विपाक तथा नेचुरल कलामिटी आमर चाषी बहुत क्षयकृति होतीपाई सरकार तरफ एक हेक्टर पिछा 1200 टाँग प्रीमियम दाखल करा पड़ो से 60,000 टाँह से पाइपर परवर्त पर्यायर आम आनुषंगिक भाव में चारोटी पर्यायर आम आलोचना करुचु एवं चाषी मान अवगत करुचु केमी भाव ऋणमुक्त करें तापर से माने केमी विलेज लेवल जिपी लेवल ब्लॉक लेवल रिपोर्ट आसला आम जिला स्तर को रिपोर्ट देवू से ही अनुसार से तर ये करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अवेयरनेस प्रोग्राम आज पिपिली आत्मा परिसर भितर सफल आम समस्त VAW एवं सरकारी कर्मचारी बंधु एवं आमर किसी आत्मा मेंबर कमिटी मेंबर एवं सोशल वर्कर जो मैंने अच्छा कृषक साथी समस्त को आज डाकी समस्त को टार्गेट फिक्स कर देचु को पंचायत किए के आप्लिकेसन दे सारीपर से अनुसार समस्त आम आशा रखीचु निश्चित भाव में फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिपिली सफल हेब। आज जो कार्यक्रम चाषी मान कल्याण निम्ते आमर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संपर्क चाषी मान अवगत कर सचेतनता कराईगला नियंत्रित बाजार कमिटी साखी ओपाल चाषी मान संगठित कराई समस्त विभाग अधिकारी समन्वय में चाषी मान कल्याण समर्पित एवं कार्य कर प्रयास जारी रखी समस्त कृषक मान निवेदन कर समस्ते फसल बीमार सुजोग हासिल करने। रायगढ़ जिला प्रशासन अपारगता शासन को विरोध कर तीव्र निंदा कर भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला तरफ सांबादिक सम्मेलन स्थानीय पूर्त विभाग बंगलार आयोजन करा आज गुमा पंचायत लाकुबाड़ी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजन ग्रामीण विद्युत संजोगीकरण संपर्क में सीधासख मान्यवर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया कथबार्ता कार्यक्रम अनुषित होवर प्रधानमंत्री उक्त पंचायतवासी कथबार्ता होते कार्यक्रम दिल्ली स्थित REC कंपानी मैनेजर रंजित रंजन रायगढ़ जिला सूचना अधिकारी पी गंगाधर प्रमुख उपस्थित थे। आज जो भाव में घटना घटला आज जिला प्रशासन जो भाव में कम कला ये स्पष्ट भाव में बारी हो जिला प्रशासन विजु जनता दल इंगित ही कम कर कारण जो सुविधा आज रायगढ़ जिला पाई था सीधा सड़क भाव नरेन्द्र मोदी सहित प्रधानमंत्री सहित कथबार्तार से निजर दुख कही पारे से जिन समस्त लुचे रखिले यही कि गणमाध्यम को जिनसर खबर मिलला ना नरेन्द्र मोदी आज डायरेक्ट इंटराक्शन होता हिताधिकारी मानक सहित तो यहाँ अत्यंत दुखर कथा और दुर्भाग्यर कथा जो जिनसवासी रायगढ़ जिलावासी सुख पाई कि लाभ पाई समग्र जिनस को अंधारे रखाला केवल गोटाए जिनस कारण केन्द्र सरकार योजना तले न पहुँचु यहीपाई गोटे चक्रांत कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलित भाव में कार्यक्रम कर समग्र तालचेर अंचल अघोषित विद्युत काट को नहीं तालचेर पौर मंडल बीजेपी युव मोर्चा तरफ सभापति सुब्रत साहू नेतृत्व में चाईपाड़ स्थित शेषुर निर्वाही जंत्री कार्यालय सम्मुखें धारणा दिया जाता है। यह बिजुली काट संपर्क में SDO सहित आलोचना करने धारणा प्रत्याहत होता युव मोर्चार बहुत सभ्य सामिल होते खूब शीघ्र बाजार को आसीब नुआ 100 टंकिया नोट। रिजर्व बैंक पक्षर जारी होगा नूतन 100 टंकिया नोट
ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ରହିବ। ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନୋଟ୍ ଆସିଲେ ବି ପୁରୁଣା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ନୂଆ ନୋଟ୍ ଆସିଲେ ବି ପୁରୁଣା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ନୂଆ ନୋଟ୍ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆଠୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ରହିବ। ନୂଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଜୁରାଟର ରାଣୀ କି ଭାବ ସ୍ମାରକର ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସଂସଦରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ହୁଏତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ହେଲେ ସଂସଦରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌତୂହଳର ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସଂସଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ସମୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଓ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 20-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇ ଓ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।